हाथरस वाले भोले बाबा का जलवा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। भोले बाबा ने अपना साम्राज्य 5 राज्यों तक फैला रखा है। यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। हम आपको सूरजपाल का मैनपुरी का शीश महल दिखाते हैं। सूरजपाल यहाँ रहता है, उसका घर महल जैसा है, उसकी शान और शौकत राजा महाराजा जैसी है। सूरजपाल के घर में हेलीपैड है, उसके घर के दरवाजे गोल्डन रंग से रंगे हैं। ये देखिए, ये है मैनपुरी में भोले बाबा का आश्रम। ये आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। बाबा के आश्रम के अंदर कई गाड़ियां देखी जा सकती हैं। भोली भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा कर रखा है। वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी अंदर मौजूद है, और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने जो हमारे सूत्र बताते हैं सीडीआर निकलवाई है, सीडीआर में लोकेशन यहीं की आ रही है। वो मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी कहने का विषय, और ऐसे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ों रूपये की कीमत का ये आश्रम है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि लगभग सेवादारों की बात की जाए 70 से 75 सेवादार हमेशा यहाँ रहते हैं, और 28 से 30 गाड़ियां इसमें एक तरफ होती हैं। और ऐसे में जब से घटना हुई तब से बाबा का पता नहीं, और पुलिस के अधिकारी यहां डटे हुए। अब देखना ये होगा कि पुलिस के अधिकारियों को क्या निर्देश मिलते हैं, कैसे वो अंदर जाते हैं, बाबा को कैसे ढूंढते हैं, तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी। और ऐसे में अगर देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा इस तरफ और आगे आके दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी वो पूरी जगह कम्प्लीट है। जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो सारी जगह प्रेमिसेस है जहां बाबा ने ऊंची ऊंची दीवारें यहां बना के रखी हैं। और कहने को तो ये आश्रम है, मगर इसे पूरा इसको महल की तरह बना के रखा गया है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी मौजूद है। सेक्टर 87 के नया गांव में ये आश्रम बना है। यानी सूरजपाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। बताया जाता है कि आगरा में भी भोले बाबा का एक घर है, और कई बार भोले बाबा यहाँ भी आते हैं। इसी तरह राजस्थान में कई जगह पर भी भोले बाबा के आश्रम और प्रॉपर्टी है। यानी एक दो नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है भोले बाबा का साम्राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भोले बाबा आखिर है कौन, जिनके इतने सारे भक्त हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से बाबा सत्संग कर रहे हैं, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा की पूरी कुंडली। जिन बाबा के तोरण द्वार और तस्वीरों पर लोग अब पत्थर फेंक रहे हैं, उन बाबा की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमारी पूरी टीम हर उस जगह पर पहुंच गई जहां से बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान का रिश्ता रहा है। सबसे पहले हम पहुंचे कासगंज। जिस जगह पर है ये एक गांव है, और ये बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है, और सूरजपाल उर्फ बाबा जिन्हें कहा जाता है, वो आश्रम पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो आश्रम है जो सबसे पहले चर्चा में आया था इसी जगह पर। आज भले ही यहाँ पर जो डिवोटी हैं, जो अनुयायी हैं बाबा के, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कई सालों से बाबा नहीं आते हैं, और सिर्फ ये आश्रम चल रहा है बतौर एक ट्रस्ट के रूप में। इस दौरान हमने बहादुरपुर के लोगों से भी बात की जिन्होंने भगदड़ कांड में साजिश का दावा किया। एक दिन पहले हाथरस वाला, क्योंकि बहुत कई लोग, 116 लोगों की मौत हो चुकी है अभी आधिकारिक रूप से, तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, किसकी गलती इसमें? जी, इससे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सिकंदर राव में हाथरस में जो भी जनसैलाब था, उससे अधिक भी जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसमें हमें तो कोई साजिश लगती है। अच्छा, किसी ने जनता को भड़काया है तब ऐसा हादसा हुआ है। आपको लगता है कि जी जी जी, भले ही हाथरस में हुई भगदड़ के पीछे लोग साजिश का इशारा कर रहे हैं, लेकिन बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही? तो कितने मतलब नहीं है इनसे? अच्छा, हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी,
लड़कन की मार पीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने छीनी जायदाद? हम हमारे घरवान ने। किसने आपकी जायदाद छीनी है? क्यों प्रभु ने दबाई ली। अच्छा हाँ, हमारी कोई मतलब नहीं है। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं? तैसे हम आएंगे। जिसके बाद हमने रुख किया कासगंज से करीब 87 किलोमीटर दूर मैनपुरी का। मैनपुरी में बाबा के होने के देर रात से इनपुट थे। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहां पर बाबा की हमेशा मौजूदगी रहती है और अपने छोटे बड़े कार्यक्रम जो उनके होते हैं उसके बाद वो यहां पर आते हैं, लेकिन यहां पर भी उनकी मौजूदगी नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने के लिए बात ये होगी कि यहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस यहां पर खड़ी हुई है। देखिए जो SHO मैनपुरी है, उसके अलावा CO की गाड़ी यहां पर खड़ी है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए हम चप्पा चप्पा तलाश ही रहे थे कि तभी हमारे हाथ एक वीडियो आया। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का है, जिसमें सूरज पाल का सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दावा किया जाता है कि फरकाबाद से सूरज पाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरज पाल यहाँ कई बार समागम कर चुके हैं। फरुखाबाद के आवास विकास में सूरज पाल का एक मकान भी है। बाबा सूरज पाल का ये वीडियो देखकर ये तो समझ में आता है कि बाबा के एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरज पाल की जड़ें कहां कहां हैं और उनके रसूख की कहानी क्या है। दरअसल बाबा सूरज पाल को नारायण साकार हरि के रूप में भी जाना जाता है। बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल रहे हैं। इटावा में नौकरी के दौरान बाबा सूरज पाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। सूरज पाल पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद ही सूरज पाल ने अपना नाम और पहचान बदल ली। इतना ही नहीं, आगरा में मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा भी सूरज पाल कर चुके हैं, जिस पर आगरा पुलिस ने उन पर FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। बाबा सूरज पाल की कुंडली खंगालते खंगालते हमें ये भी पता चला कि सूरज पाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान बाबा की यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये सेवादार देखते हैं। इतना ही नहीं, सूरज पाल का आगरा से भी कनेक्शन बताया जाता है। जिस दरवाजे पर आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, उसे बाबा की कुटिया कहा जाता है। दावा किया जाता है कि सूरज पाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। खास बात यह है कि जिस जगह पर, जिस घर में भोले बाबा पहले रहते थे और उनका क्या इतिहास रहा, उस घर को न्यूज 18 की टीम ने खोज निकाला है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये जगह केदार नगर कहलाती है और जो घर आप देख रहे हैं ये भोले बाबा का ही घर है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भोले बाबा इसी घर में रहते थे। 10-12 साल से कोई रह नहीं रहा है। लेडीजें आती हैं, उन्होंने ये घर बनाया है अपने हाथों से। यहाँ मत्था देखती है मंगलवार और गुरुवार वाले दिन, और हाथ पैर से मतलब सफाई वगैरह करती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे गंगा जल बहता है। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा के चौक को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडहर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे अपने खर्चे पर ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछे लगाती हैं, उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले गए। यानी सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि का नेटवर्क बेहद बड़ा है। यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद अब चप्पे चप्पे से सबूतों की तलाश की जा रही है। और इस बीच हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। 4 सहयोगी आयोजकों से पूछताछ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 4 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। मुख्य आयोजकों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीमें।
जो अभी तक फरार हैं और जिनके फोन भी स्विच ऑफ हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट जो लगाए गए थे उनके नीचे जिन 6 आयोजकों का नाम लिखा हुआ था उनकी तलाश पुलिस कर रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि 4 सहयोगी आयोजकों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। लगातार पुलिस की टीमें बाबा को भी ढूंढ रही हैं और आयोजक जिनके नाम पर FIR दर्ज हुई है उनकी भी तलाश चल रही है। और इस बीच खबर आ रही है कि 4 सह आयोजक हैं, सहयोगी, जिन्होंने कि इन आयोजकों का साथ दिया इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। सुमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमित, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? कल से ही पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जैसे ही पुलिस ने FIR दर्ज की है इस पूरे मामले में, और इसमें कई लोग हैं जिनके मुख्य आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कई अज्ञात हैं जिनके नाम सामने नहीं आए थे जो आयोजक लिस्ट में थे। पुलिस ने कई लोग ऐसे हैं जो आयोजक लिस्ट में हैं उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं जो जगह जगह दबिश भी दे रही हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि लगातार जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया सुमित आपका। तो देखिए, भोले बाबा वो नाम जो हाथरस हादसे के बाद सभी की जुबान पर है। कैसे एक झोपड़ी में सत्संग करने वाला सूरजपाल बन गया भोले बाबा, इस रिपोर्ट में देखिए। तो सत्संग में माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर, तलाश में भी हर जगह दिक्कत। धक्का मुक्की का इतना तेज प्रभाव था, एक दूसरे के आदमी के ऊपर चढ़ रहा है। हाथरस हादसे की तस्वीरों से पूरे देश की आंखें नम हैं। ये भक्त सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनका प्रवचन सुनने आए थे। आखिर ये भोले बाबा हैं कौन, वो प्रवचन क्यों देने लगे, भोले बाबा के कपड़ों का रहस्य क्या है, आज हम आपको भोले बाबा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव में खेती करते थे भोले बाबा। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। सूरजपाल बचपन में अपने पिता के साथ खेती करते थे। पुलिस विभाग में नौकरी। सूरजपाल बचपन से पुलिस विभाग में काम करने के सपने देखा करते थे। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तैयारी की और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। लेकिन पुलिस विभाग में करीब 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक से BRS ले लिया। झोपड़ी से प्रवचन की शुरुआत। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल ने अध्यात्म का रुख किया। पटियाली के गांव बहादुर नगर में अपनी झोपड़ी से ही उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। भोले बाबा का कहना है कि अचानक उनके अंदर भगवान के प्रति लगाव होने लगा और उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद सूरजपाल ने अपने घर पर सत्संग करना शुरू कर दिया। गांव की एक कोठरी में 5 लोगों से शुरू हुआ सत्संग में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा का यह कहना था कि उसे प्रभु में इतना लीन होने का मन कर रहा है कि उसके लिए दुनिया में अब कोई भी चीज सामने उसे अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि वो अपने आप को शंकर या भोले शंकर कहलवाने लगा। पहले घर पर 15 लोगों को सत्संग में बुलाया करता था, मगर उसका ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और भक्तों की संख्या भी। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। गांव में उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। सदा धीरे धीरे लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी, लोग उनकी बातों में आने लगे। खुद को बताते हैं हरि का शिष्य। भोले बाबा खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। उनका कहना है उनका कोई गुरु नहीं है, बल्कि वो हमेशा से हरि के भक्त रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम
सूरज पाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। पांच राज्यों में भोले बाबा का जलवा, साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा, और ये सत्य का अभ्यास। अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे। जैसे जैसे भोले बाबा के प्रवचन बढ़ते गए, उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती चली गई। एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में भोले बाबा के भक्तों की तादाद लाखों में है। लेकिन यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भविष्य बेड़ा पार हो गया। जाटव वाल्मीकि समाज के ज्यादा भक्त। वैसे तो भोले बाबा के भक्त सभी समुदाय से आते हैं, लेकिन माना जाता है कि जाटव और वाल्मीकि समाज में भोले बाबा का खासा प्रभाव है। उनके ज्यादातर भक्त ऐसे हैं जो जाटव, वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। भक्त मानते हैं अवतार। भोले बाबा खुद को हरि का भक्त बताते हैं। वो अपने प्रवचनों में हरि के गुण गाते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जादू ऐसा है कि उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि हाथरस में उनके चरणों की धूल हासिल करने के लिए भक्तों में भगदड़ मच गई। बाबा के सत्संग में जादुई पानी। भोले बाबा के सत्संग में लाखों की भीड़ आती है और उन भक्तों को प्रसाद के तौर पर पानी पिलाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बाबा के सत्संग वाला जादुई पानी पीने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोले बाबा के सत्संग में आने वाले यहाँ का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं और रिश्तेदारों को भी पिलाते हैं। बाबा का जादुई पानी सर चढ़ बोलने लगा। बाबा अपने सत्संग में जादुई पानी को अपने भक्तों को देते थे। भक्तों की आस्था ऐसी कि उस जादुई पानी को वो खुद पीते थे, अपने परिजनों को और अपने नाते रिश्तेदारों को पिलाते थे। उनका ये मानना था भक्तों का कि इस जादुई पानी से उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जादू टोना टोटका, अगर किसी ने कुछ किया हो तो ये जादुई पानी उस पर असर करता था। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हाथरस हादसे के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ तो फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं और जांच के लिए आगरा एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से बात की। अब तक जो बातें जांच में सामने आई हैं उसकी रिपोर्ट भी देखी। हादसे पर हो रही सियासत पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि हादसे पर राजनीति ठीक नहीं है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसके राजनीतिक संबंध किसके साथ हैं सब जानते हैं। यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे।
और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, हाथरस हादसे पर पहली बार बोले बाबा साकार हरि। हादसे में जान गंवाने वालों से संवेदना, ये कहना है बाबा का। मैं बहुत पहले समागम से निकल चुका था और वकील एपी सिंह ने जारी किया है बयान। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे हादसे के बाद में अब पहली बार बाबा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले इस कार्यक्रम से निकल गया था और वकील एपी सिंह ने यह बयान जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, कल जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि जब बाबा का काफिला वहां से गुजर रहा था, उसी के पीछे भीड़ भागी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद में यह बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब बाबा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत पहले ही निकल गया था। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हाथरस की जो घटना हुई, उस घटना को लेकर सीधे तौर पर जो उनके वकील अभी एपी सिंह है, उनके माध्यम से जो घटना के खुद जो बाबा हैं नारायण शंकर हरि, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कंडोलेंस व्यक्त किया है और ये कहा है कि उन्हें बहुत दुख है और वो बहुत पहले ही निकल गए थे, लेकिन जो घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनके परिवार को उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि उन्हें कंडोलेंस दिया जाए। हालांकि एपी सिंह के द्वारा ये स्टेटमेंट मीडिया में जारी किया गया है, ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या जो हरिशंकर नारायण जो गुरु जी हैं वो एपी सिंह के ही माध्यम से क्या ये मैसेज भिजवा रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी तक मीडिया में जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये पहला स्टेटमेंट हाथरस मामले में जो मुख्य जारी है उनके द्वारा भेजा गया है। जी लेकिन सुशील, जो स्टेटमेंट जारी किया है इसके अलावा क्या कुछ और बड़ी बातें भी कही गई हैं? आज देखिए, जो स्टेटमेंट जारी अभी एपी सिंह के द्वारा आया है उसमें सीधे तौर पर कंडोलेंस जारी किया गया है नारायण शंकर हरि के द्वारा। अभी कोई और अतिरिक्त स्टेटमेंट नहीं आया है। लगातार हम एपी सिंह से संपर्क कर रहे हैं कि क्या वो मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या बाबा जांच में सहयोग कर रहे हैं, अगर बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो अभी तक हैं कहां, इसकी पूरी जानकारी क्या है। तो ये जो भी जानकारी होगी वो भविष्य में अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन अभी एपी सिंह के द्वारा जो ताजा स्टेटमेंट है वो यही है कि उन्होंने कंडोलेंस व्यक्त किया है। बाकी आगे की जानकारी एपी सिंह से जब जुड़ेंगे। लेकिन सुशील, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, इसको लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि आगे जाके क्या बाबा के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जो भी इस मामले में कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से भविष्य में अगर लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बाबा के ऊपर आरोप बनते हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाबा है उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। लेकिन अभी चूंकि इस मामले में जांच जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, तो ऐसे में कह पाना कि यूपी सरकार किस तरह आगे बढ़ रही है एफआईआर को लेकर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस लगातार चल रही है, बाबा की तलाश चल रही है और ऐसे में बाबा का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित तमाम लोगों को कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा सवाल कल से ही चल रहा था कि आखिर बाबा जो अभी तक फरार हैं कहाँ हैं कहाँ नहीं है। उनके द्वारा एपी सिंह के माध्यम से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कंडोलेंस उन्होंने जरूर जारी किया। वाकई में सुशील, अब सवाल कई सारे हैं कि जो बाबा कल से गायब था, अब उस बाबा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, बयान जारी किया गया कि मैं तो बहुत पहले ही समागम से निकल गया था। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाथरस हादसे में घायल लोगों को सिकंदरा मऊ हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी वार्ड में पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और घायलों में सत्संग में पहुंची महिलाएं तो शामिल हैं, साथ ही पुलिस ड्यूटी में लगी लेडी कांस्टेबल भी भर्ती हैं जो कि भगदड़ में ड्यूटी के दौरान घायल हो गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घायलों से मुलाकात की। न्यूज 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों से बात कर उस खौफनाक मंजर के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले आपको वार्ड की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये विशेष रूप से वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ पर 11 मरीज थे जिनमें से एक डिस्चार्ज हो गया है, इसके अलावा एक महिला कांस्टेबल और अन्य 9 महिलाएं हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। और इस तरीके से यहाँ पे तमाम तरीके की सुविधाएं की गई हैं, फल फ्रूट्स दिए गए हैं। सीएम योगी आए थे, जो मरीज हैं उनसे बातचीत की थी और उनसे स्थिति जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके की उस समय स्थिति थी। हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एक महिला कांस्टेबल हैं जो उस वक्त सुरक्षा में तैनात थी, बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है?
सीला मोरे। क्या हुआ था उस वक्त? आप वहाँ सुरक्षा में थी, सुरक्षा देख रही थी, कैसे भगदड़ मची एकदम एकाएक? मेरी ड्यूटी वहीं पे थी, उसके जो प्रोग्राम था मंच के सामने ड्यूटी थी। मंच जैसे वो गए भोले बाबा, उसके बाद पब्लिक एक साथ बाहर को निकली, सड़क तक आ गए। हम लोग निकलते भीड़ में, मैं भी थी साथ में, महिलाओं के ही साथ थी। वहाँ पे जैसे ही रोड पे आए, मैं रोड पे वहीं पे महिलाएं एक 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 करके गिनने लगी। मैंने दो चार महिलाओं को उठाया भी, काफ़ी महिलाओं को उठाया, और फिर उसके बाद मैं ही गिर गई। मुझे भी अंधेरा आया, ऐसा लग रहा ऑक्सीजन की कमी हो गई बिल्कुल, काफ़ी भीड़ थी। धूप क्या क्या लगता है कि उस समय भीड़ कितनी रही होगी, कुछ अंदाज़ा? भीड़ 1,00,000 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और अब तक कुल 122 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं जो है वो बहुत आए थे, यानी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाएं ज्यादा थी वहाँ पे, महिलाएं गिर रही थी गर्मी की वजह से, एक के ऊपर एक ऐसे गिर रही थी। क्या वजह थी? बता रहे हैं कि मिट्टी उठाने के लिए, जल उठाने के लिए, फूल उठाने के लिए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए। हाँ, पंडाल से बाहर निकल के मिट्टी भी उठाई। मैंने कहा भी ये मिट्टी क्यों ले रही हो, कह रही नहीं ये हमारा प्रसाद है, हमारा कोई भी बीमार हो जाता तो इससे ये लगा देते हैं तो सही हो जाते हैं। सीएम आए थे, मुख्यमंत्री, मुलाकात हुई, हालचाल जाना? हाँ, सीएम जी से मेरी बात हुई है, काफ़ी उन्होंने पूछा, मैंने बताया, जी आपको बताया वो ही बताया, जिस तरह से हमारे आंखों के सामने घटना हुई मैंने पूरी जानकारी दी उनको। आप सीएम साहब आए थे मिलने? आए। और अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत भाई सही ना, दर्द हुआ बहुत तेज। अच्छा, अम्मा ये बताइए वहाँ हुआ क्या था एकदम से, जो इतनी भगदड़ मच गई? अब बेटा भयो का यही मन तंदे सत्संग करके लौट रहे थे, एकदम भीड़ हर रही पड़ी। तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त, अंदर थे पंडाल में या बाहर थे? बाहर आए रही करके। अच्छा, सड़क पे आ गए। भीड़ बेकाबू सी हो गई थी, ऐसी कुछ स्थिति थी क्या वहाँ पे? हाँ, ज्यादा भीड़ है गई, एकदम सो धक्का मुक्की है लेकर। वर्कर हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मिलने के लिए। एक बुजुर्ग अम्मा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी कैसी हैं आप? ये दर्द है। दर्द है? हाँ। अच्छा, सीएम साहब आए थे, बात की आपसे? हाँ, की ऐसी यही पूछ रहे। क्या कह रहे थे, कैसे घटना हुई, क्या हुआ भीड़ में? मैंने की और हाथरस में हुए हादसे से तुरंत पहले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कार के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की तादाद में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे, और दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान भगदड़ मची और 121 लोगों की भी शिनाख्त की जा रही है, और जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी उनको भी पोस्टमार्टम करके हम लोग घर भेजेंगे। राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव का बयान आया है, आप जानते हैं। देखिए, ऐसी ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम इस दुख की पीड़ा में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। घायलों से मिलके आए हैं, क्या करंट स्टेटस है, क्या बातचीत हुई? हमारी सभी घायलों से बात हुई है और बातचीत सब लोग कर रहे हैं, खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड सर, आगे क्या कुछ रहेगा? अभी अभी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर और चार्जशीट कब तक आ जाएगी एफआईआर में? शीघ्र से शीघ्र आप इंतजार करें, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है पुनः आपके समक्ष मीडिया समक्ष आएगा। 80,000 लोगों का लगभग वहाँ पे था इंतजाम, लेकिन 2,00,000 की संख्या लोग सड़क के दोनों तरफ। ऐसी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मुख्य सचिव को और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को और कप्तान को इस बात की निर्देश दें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चुप मांग रहे हैं कुछ, अभी 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 जांच रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी बात हम बताएंगे। पुलिस वाले भी घायल हैं, जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम पूरी बात आपके समक्ष रखेंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में कासगंज के एक मासूम समेत 10 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद में सभी लोगों के शव पहुंचे उनके गांव, और शव के पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवार को सांत्वना देने विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे, और विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया गया। कोई ना, हमें तो एक पुलिस वाले भैया आए उन्हें बोध में लेके, और दो साइकिल नहीं मोटरसाइकिल पर बैठा ले, वो पानी पत्ता डालता रहे।
अच्छा हुआ क्या था, भीड़ में भगदड़ हुई थी क्या हुआ? यहाँ भीड़ बहुत भारी है भैया, भीड़ में भैया भगदड़। हाँ भीड़ में ही। और भी आपके साथ और भी लोग थे कुछ? अब और तो वे तो सब बिछुड़ गए। तो गांव के थे या बाहर के थे? गांव के गए तो कोई ना खबर लला कितना नहीं गई। अब गाड़ी तो गई मतलब जी दो टेम्पू गई भरी। हाथरस भगदड़ में सोखना गांव के चार लोगों की मौत हुई है जिसमें तीन महिलाएं और एक ही परिवार की हैं। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हो गई है। तीन लोग है हमारे, हमारी लड़की, भाई घरवारी, हमारी माँ, तीनों में एक गुना बताओ। ऐसे समापन आरती हुई है, सब सब लोग समापन तो ऐसे हम निकल ले भीड़ में। अच्छा इधर चढ़िया सड़क पर आके इतनी भीड़ मिली है, हम फंस गए, हमारे बार बार ही बके हमारे इतनी हालत नहीं आ रही, तो घबराहट नहीं हो रही कि मैं भी गिर जाती तो मेरा भी जैसे। तो क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पे? उसे निकलने में कुछ तो इधर से चल ले लोग, कुछ इधर से निकल ले, कुछ ऐसे चारों से गाँव से उन्नाव की रहने वाली महिला की हाथरस भगदड़ में मौत हुई है। हाथरस में हो रहे सत्संग में उन्नाव के भी कई लोग शामिल हुए थे। बक्सर गांव की रहने वाली रूबी की भगदड़ में मौत हो गई जबकि उसका 6 साल का बेटा भी लापता है। या वहां कोई लिमिट नहीं थी, सैकड़ों हजारों लाखों के आदमी थे, अब कोई गिनती तो नहीं थी। आप लोग कितने लोग हैं यहां पे? हम तो एक वही अगल बगल वाले गाँव, मेरा भतीजा रहा है, हम रहा है, और एक ही बस वो गई थी हमारे यहाँ। तो बस में लगभग कितने लोग हैं? अब लगभग बस में गिना नहीं गया तो कम से कम होएंगे, सीट के हिसाब से अब गिनती तो हमको आती नहीं ना, मगर बता रहे एक साइड में तीन तीन आदमी थे, एक साइड में दो दो थे बस। अभी हम लोगों के पास कोई आधिकारिक वहां से जो सूचना है वो नहीं, हमारे जनपद का नाम नहीं है, लेकिन जो भी पता चला है हम लोगों को क्षेत्र में, तो उससे पता चला है कि 12 सागर थाना क्षेत्र में तहसील दुर्गापुर में एक बक्सर गाँव में वहाँ पर एक महिला थी रूबी नाम पत्नी राजन, वो रायबरेली अपने मायके गई थी, वहीं से अपने बच्चे के साथ और लोगों के साथ वहाँ गई थी। पता चला है हम लोग कंटेक्ट में हैं कि रूबी की, बताया जा रहा है कि रूबी की वहाँ पे बरसात। हाथरस हादसे के बाद से लोगों में बाबा नारायण साकार हरि के लिए गुस्सा है। लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाबा के पोस्टर पर पथराव किया। आपको बता दें कि कल भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी। उधर इस घटना के बाद सियासत भी खूब हो रही है, जहां राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंधविश्वास को लेकर कानून बनने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे की निंदा की और सरकार को घेरने की कोशिश की। जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हाथरस पहुंचे और भगदड़ में घायल लोगों का हालचाल जाना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आप देख रहे हैं जो कि अस्पताल पहुंचे थे। भगदड़ में जो लोग घायल हुए हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उनका हालचाल भी जाना। हाथरस में इस घटना के बाद से ही तमाम राजनीतिक लीडर्स पहुंच रहे हैं हाथरस। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना दे रहे हैं, साथ ही जो लोग घायल हो गए हैं उनसे भी उनका हालचाल जान रहे हैं।
निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। जिन्होंने आयोजनकर्ताओं को इन्होंने परमिशन दिया और उसमें कितने लोग आए, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार दोषी है, विफल है और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आयोजनकर्ता हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस भगदड़ में मथुरा के 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सभी महिलाएं हैं और सभी की उम्र 50 से ज्यादा है। मृतकों में थाना हाईवे क्षेत्र की 4, जमुनापार क्षेत्र की 2, फरह की 1 और मांठ की 1 और साथी 3 महिलाएं और साथी शामिल थी। हाथरस पे पोस्टमार्टम के बाद भी 9 शव मथुरा पहुंचे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। जैसे वो निकल के गए, लेडीज एक तरफ एक संग भागी है कब उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। पल्ली पाल लेकर गए हम तीनों, तो बिना कि हमें जो ना मालूम पड़ी, हमारा एक हाथ आ गई वो बिना कि हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ अपने के संग, या गिरी है या अपने के ऊपर कोई लेकर आया। नहीं, बाबा के जो चलो की बच्ची जो लेने के लिए हम नहीं झुके, हम तो रेले में चले। 11 लोगों का नाम यहाँ के आया है जिसमें से 9 डेड बॉडी हमारे यहाँ आ चुकी है, अभी 2 अंदर ही है आ रही है। सभी डेड बॉडीज के अंतिम क्रिमिनेशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के कर्मी लगाए गए हैं जिससे वहाँ पर परिवार के लोगों को इस तरह की असुविधा न हो। प्लस इसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता की घोषणा की गई उसकी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग आर्थिक सहायता का वितरण भी करेंगे। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको आगे किसी तरह की असुविधा न हो। हाथरस में हुए हादसे में बुलंदशहर की 5 महिलाओं की जान चली गई। खुर्जा की 1, शिकारपुर की 2, डिबाई की 1 और साथ ही अनूपशहर की 1 महिला की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा है, महिलाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे के चश्मदीद का कहना है कि हादसा बेहद खतरनाक था। वहाँ पे सत के साथ में गए थे, समापन हुआ, निकल के आ रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आ गई बीच में, उनकी रेल लगी तो जो सत्संगी लोग हैं वो गिर गए। लेडीज हैं जो थी, जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे ख़त्म होते गए, मेरी बेटी भी दब गई उसके नीचे। इनका पार्थिव शरीर जो है कल रात को लगभग 2 बजे के करीब ग्राम में आ चुका था। मैं खुद स्वयं लगभग सुबह 7 बजे जो है इनके गांव में आया था। इन लोगों से मैंने वार्ता की है तो ऐसा कोई तनाव वनाव नहीं है, बस ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं। किसी के घर में भी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि आदमी जो है थोड़ा सा तनाव में और दुख में रहता है। हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरी उर्फ सूरज पाल का एक आश्रम सेंट्रल नोएडा में भी है। सेक्टर 87 के नया गांव में ये आश्रम बना है, यानी कि सूरज पाल ने भक्तों की आस्था के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। हाथरस की घटना से भी विदिशा प्रशासन ने सबक नहीं लिया। बारिश और कीचड़ के बीच में हजारों लोग कथा सुनने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान घटना के बात कहीं ना कहीं अब जो कथा होती है उन पर यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा में, तो विदिशा में बात किया तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ कथा चल रही है और देख सकते किस तरीके से सागर भोपाल के हाईवे किनारे यहाँ पर कथा चल रही थी, लेकिन देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। कीचड़ से जो महिलाएं हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर सने हुए यहाँ पर बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कीचड़ में गिर भी गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से आयोजक करता जो समिति जो रहते हैं वो यहाँ पर कथा तो यहाँ पर करते, लेकिन तमाम तरह जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी देखना पड़ती है और यही हालात जो हैं विदिशा में कथा में देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से आए, छोटा सा बच्चा हाथ में? जी सर। कहाँ से आए?
यही टीला केड़ी विदिशा। अभी आपने घटनाक्रम सुना जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है जी, जी। तो जो समिति जो होती है कथा कराने वाली, उनकी कार्यप्रणाली सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कथा की कथा करा देते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती, तो लोग आज मौत के मुंह में चले गए। निश्चित रूप से यहाँ पर बात किया है तो जो कथा सुनने वाले हैं उनका स्पष्ट यही कहना है कि कथा होती है लेकिन कथा के दौरान ये व्यवस्थाएं जो तमाम तरह की जो होते हैं आयोजक होते हैं उनको सारी व्यवस्था करानी चाहिए, प्रशासन शासन को भी ध्यान देना चाहिए कि हाथरस के यूपी जैसा कोई अगला जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को न मिले, ऐसी कोई घटना ना हो, उसको लेकर खास तौर पर यहाँ पर चाहे भागवत कथा हो से पुराण कथा हो या कोई कथा हो ऐसी कथाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा।